आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ तीन ऐसे सीड्स की जो आपकी नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नर्व डैमेज को रोकते हैं, अगर डैमेज हो गई है तो उनको रिपेयर करते हैं और बहुत जल्दी नर्व्स की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाते हैं। नर्व्स की प्रॉब्लम में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट रहना, पैर के तलवे में झंझनाहट रहना, माइंड में फॉगिंग रहना, हरदम ऐसा लगना जैसे सिर में दर्द है, पता नहीं समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो नर्व्स के लिए नर्व्स के कारण हो सकती हैं। न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो न्यूरो प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करें उसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। तो चलिए बात करते हैं नर्व्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि तीन ही सीड्स की मैं बात करूंगी, वो बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा हमें फायदा देने वाले नर्व्स के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और ओवरऑल हर चीज के लिए फायदा करने वाले, जिनको अगर आपने अपने डाइटरी रूटीन में शामिल कर लिया तो आप ना सिर्फ नर्व्स की प्रॉब्लम बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं, अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। बात करेंगे कौन से सीड्स हैं, बात करेंगे उनको कैसे खाएं, बात करेंगे उनको कितना खाएं, क्योंकि कैसे खाएं और कितना खाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मेरी एक कजन सिस्टर है, उसके हाथ पैरों में स्किन खराब होनी शुरू हो गई। तो हाथ पैरों की अगर स्किन खराब होती है, स्किन कहीं से भी डैमेज होती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर स्किन की इलास्टिसिटी कम हो गई है। उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप 5 बादाम और 1 अखरोट रोज खाओ तो आपकी स्किन सही हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 है, उसके अंदर गुड फैट है, वो आपकी उस इलास्टिसिटी को फिर से बनाएगा और आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। अब उसने क्या किया, अच्छा 5 बादाम से क्या होगा, 1 अखरोट से क्या होगा, मुट्ठी भर के बादाम, मुट्ठी भर के अखरोट और भैंस का दूध, इतना हैवी होता है, और वो हाफ के जी डेली उसने पीना शुरू किया। बादाम अखरोट को पीसा, दूध में उबाला और वो दूध पिया। रिजल्ट क्या होना था बता सकते हैं आप, क्या रिजल्ट हुआ होगा? स्किन तो ठीक हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन और क्या हुआ, 70 से उसका वजन 90 kg हो गया। क्यों हुआ? गलत तरीके से खाने से। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए मैं ये भी बताऊंगी कि कितना खाना है और कैसे खाना है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सीड्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड हरे रंग के बीज होते हैं, छिले हुए कद्दू के बीज, छिलके के साथ नहीं, छिले हुए कद्दू के बीज। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत फायदेमंद होते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत होते हैं, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यही सीड्स आपने खाने हैं, क्योंकि पंपकिन सीड्स को कहते हैं दीज आर द पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इनमें डाइटरी फाइबर भी काफी होता है, तो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं, ये आपके नर्व्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि आज हम नर्व्स की बात करें तो नर्व्स में ये कैसे बेनिफिट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ये नर्व्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। नर्व्स की अगर फंक्शनिंग कमजोर हो जाए तो आपको कभी साइटिका हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी वेरिकोज वेन होना शुरू हो गया, कुछ प्रॉब्लम होने, कभी झंझनाहट होना शुरू हो गया, कभी चींटियां चलना शुरू हो गया, ये सब चीज होती है। तो ये नर्व्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये आपके नर्व्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है और नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, तो आपको ये मैग्नीशियम भी पूरा मिलेगा। हमारी जो नर्व्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती हैं। आपके सारी बॉडी के जो जो चीज चाहिए, जो काम है, जो क्या करना है क्या नहीं करना, सारे मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से ऑर्डर लेके पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। तो अगर ये कमजोर हो गई तो मैसेज ना तो ठीक से जाएंगे ना तो वो ठीक से आएंगे, और जब ऐसा होगा तो आपकी बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वहां तक मैसेज सही से पहुंचे उसके लिए ये पंपकिन सीड जो है बहुत अच्छे से नर्व्स की हेल्प कर सकते हैं। ये मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं और मसल्स की मूवमेंट को भी सही करते हैं, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट सही नहीं होंगी तो आपकी नर्व्स के कंप्रेशन हो सकता है, नर्व्स दब सकती हैं। तो ये दोनों चीजों को ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, मसल्स एंड नर्व्स। इनमें ट्रैक्टोफिन नाम का एक कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड बॉडी में सेरोटोनिन को बढ़ाता है। सेरोटोनिन कौन सा है? वो एक फील गुड हार्मोन है।
फील गुड हार्मोन जो है वो आपको, आप उसको हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं। तो जब आप पम्पकिन सीड खाते हैं तो वो आपका हार्मोन ज्यादा बनता है, और ज्यादा बनता है तो आपके अंदर एक फील गुड फीलिंग आती है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं कि खाना कैसे है। दिन में आप 1 से 2 टेबलस्पून खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाना। आप 1 टेबलस्पून खा सकते हैं, 1 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके 2 तक खा सकते हैं। 2 टेबलस्पून तक खाना है, और उसको हल्का सा अगर रोस्ट कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट इसमें आएगा। आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, 2 चम्मच एक साथ नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा लेना है। उसको बहुत देर तक चबाते जाना है, चबाते जाना है, चबाते जाना है, और जब तक वो लिक्विड नहीं बन जाए फिर उसको आपने सटकना है। फिर थोड़ी देर बाद और खा लिया। आपने जरूरी नहीं है कि एक बार बैठ के 2 चम्मच खाने, आप उसको पूरा दिन भी खा सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके आपने लिया और उसको चबाते गए चबाते गए। कहने का मतलब यह है कि जितना आप चबाएंगे, जितना सलाइवा के साथ मिक्स करके आप उसको अंदर लेंगे, उतना ज्यादा वो फायदा करेगा। तो ये बात होगी कितना खाना है और कैसे खाना है। नंबर 2 पर आते हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को तो पतला होने वाले बीज भी कहते हैं। अब दुकान पे आप जाएंगे ना तो ये कह रहे होते हैं दुकानदार, ये सीड्स ले लो, इससे आपका मोटापा एकदम कम हो जाएगा। मोटापा कम होगा तो भी नर्व्स पर असर नहीं आएगा, लेकिन ये नर्व्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, वो आपके नर्व्स को रिलैक्स रखने के लिए, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें जो एमिनो एसिड्स हैं वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। आपको महसूस नहीं होगा, आप ऐसे सूजा हुआ बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इसी से नसों में टेंशन होती है, खिंचाव आपको कभी कभी अगर महसूस होता है नसों में खिंचाव, तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। और अगर आप फ्लैक्स सीड खाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और आपकी नर्व्स सही रहेंगी। ये नर्व्स को सूद करते हैं, नर्व्स को डैमेज नहीं होने देते हैं, और अगर नर्व्स डैमेज हैं तो उनको बहुत जल्दी रिपेयर करते हैं। इनके अंदर लिनोलिक एसिड होता है जो एक तरह से आपके नर्व्स का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो, नर्व्स की हेल्थ के, नर्व्स की सेल्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। और जितना मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक होगा उतनी जल्दी मजबूत आपकी नसें होंगी। अगर फ्लैक्स सीड को डेली खाया जाए तो इससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। तो देखिए, आपके नर्व्स को ठीक करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा, वेट को बढ़ने नहीं देगा। तो ये फ्लैक्स सीड आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर गुड फैट भी होता है, इसमें एमिनो एसिड्स भी होती हैं, असेंशियल एमिनो एसिड्स जो आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, जो खाने से आपको लेनी होती है, तो वो भी इसके अंदर है। और वो जब आपको मिलेंगी तो आपकी नर्व्स से जो झंझनाहट या जो चींटियां चलना, वो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। अब बात आती है इसको कैसे खाना है। आप इसको रात भर सोक करके रख दें और सुबह उसको खा सकते हैं। आप इसको अपनी दही में मिला के खा सकते हैं। आप इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर बना लें, उसको सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। इसको जिस तरीके से भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। और इसका भी 1 से 2 टेबलस्पून ही खाना है, उससे ज्यादा आपने नहीं खाना है, और हमेशा इसको रोस्ट करके ही खाना है, अदरवाइज ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में मुश्किल करते हैं। नंबर 3 पर आता है चिया सीड्स। आप जानते हैं ना, चिया सीड और फ्लैक्स सीड को सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी नर्व्स को ही ठीक नहीं करेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी सही करेंगे, उसको भी मैनेज करेंगे, इसीलिए इनको सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। ये आपके वेट को भी मैनेज करेंगे। तो चिया सीड भी आपकी नर्व्स के लिए काफी फायदेमंद है। कई बार नर्व्स में प्रॉब्लम शुगर के कारण हो जाती है। आपका ब्लड शुगर लेवल सही नहीं है, वो ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आप चिया सीड खाएंगे तो ये उस शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा, और जब शुगर लेवल मेंटेन होगा तो आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चिया सीड आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर नर्व्स। आप इन तीनों में से कोई भी खा सकते हैं, आप इन तीनों को भी खा सकते हैं, ऑल्टरनेट करके भी खा सकते हैं। किसी दिन वो खा लिया, किसी दिन वो खा लिया, तीनों में ही द कंडीशन इज आप 1 से 2 टेबलस्पून ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं खाएं। चिया सीड को आप हमेशा सोक करके खाएं। चिया सीड को ऐसे कभी नहीं खाना है, इसको आप सोक कर दें कम से कम 1 घंटा पहले, और ये पानी में फूल जाएंगे, अपने साइज से 10 से 20 गुना तक मोटे ये हो जाते हैं। और वो जो फूले हुए सीड्स होते हैं चिया सीड, उनको आपने खाना है। आप अपने लस्सी में मिला के खा सकते हैं, दही में मिला के खा सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं। इसके खाने के बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से खाएंगे वो आपको फायदा ही करेंगे। तो आज से अपने नसों की झंझनाहट, झुंझुनाहट, चींटियां चलना, नसों की कमजोरी के कारण बॉडी पेन होना, इन सब से छुटकारा पाएं सिर्फ ये 3 बीज खा के।
है ना, कितनी आसान सी चीज। तो आप इन्हें खा के देखिए कितना फायदा होता है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।